नमस्कार, मैं हूं शेफ गौतम महर्षि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वाद है विरासत में। आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है रॉ बनाना, यानी कि कच्चा केला। अब एक केला जो है, केले का पत्ता जो है, केले का छिलका जो है, केला एज ए फ्रूट, हम सबको पता है कि बहुत सारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसका जो छिलका है इसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर क्यों करना है भाई, जब पूरा ही फल इतना खूबसूरत है, इतना नायाब है और इसके अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो हम केले से भाई, केले का छिलका, छिलके को एक बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं और नाम हमारी आज की रेसिपी का होगा छाल की कड़ी। तो भाई केले का क्या करना है, देखिए जो कच्चा केला मैंने आपको दिखाया उसको उबाल लेना है। पानी जब लें, जब इसमें उबालें तो उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी या फिर कोई भी ऐसा खड़ा मसाला जिसका स्वाद आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं आपकी डिश या प्रिपरेशन में हो, उसका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पार्ट्स में इसको हमें इस्तेमाल करना है। छाल मैंने कहा था तो इसका छिलका, तो देखिए जो छिलका है केले का काफ़ी सॉफ्ट है। इसको मैंने क्या किया, पील किया, अलग किया बनाना से और उसको जूलियन में पतला पतला काट लिया। जब काटेंगे तो इस तरह ये इकट्ठा हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो अंदर का केला है उबाला हुआ, देखिए वो थोड़ा सा पेल हो जाता है, ऑफ वाइटिश हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट है, देखिए एकदम टूट जाएगा आसानी से, ये देखिए। तो बस इसका भी इस्तेमाल, छिलके का भी इस्तेमाल। तो मेरी विरासत में यही है कि खाने का इस्तेमाल इस तरह हो कि हर चीज़, हर सामग्री, हर हिस्सा, हर पार्ट पूरी तरह से हमारे काम आए। नेचर ने हमें दिया है सब कुछ, नेचर को हमें सब कुछ वापस देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुडविल। यही एक बहुत बड़ी विरासत है अपने आप में। रेसिपी की शुरुआत, पैन के अंदर लेंगे थोड़ा सा देसी घी हम। अब यहाँ पर आप चाहें तो नारियल का तेल जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देसी घी से जो कड़ी के अंदर महक आती है बहुत खास होती है वो। घी हल्का से सिजल हो रहा है, यहाँ पर इसमें डालेंगे हम जीरा, इसके साथ इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये कच्चे केले के जो छिलके हैं उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। साथ में ही थोड़ा सा काला तिल, ये गया इसके अंदर, हल्का सा पका लेते हैं। पकाने के बाद इसमें केले की छाल यानी कि छिलका, अब इसको करीब 2-3 मिनट पकाना है जब तक ये एकदम नरम नहीं हो जाए, सॉफ्ट नहीं हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद ही ये आगे काम आएगा। बीच बीच में इसे थोड़ा सा मैश करते रहिए, इससे आपको पता चलेगा कि इसकी कुकिंग जो है यानी कि कितना पक रहा है, कहाँ तक ये नरम होता जा रहा है। साथ में सॉल्ट डाल देंगे, इससे मॉइस्चर जो है जल्दी बाहर आएगा और ये फटाक से पकेगा। इसमें हल्की सी हींग, वाह, ये भी केले के अपनी महक है छिलके की, छाल की, उसे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। देखिए हल्का हल्का सॉफ्ट होना चालू हो गया। पहचान ये है कि सभी मसाले तो अपनी महक दे रहे हैं, केले की जो छाल है वो अपनी एक अलग सी महक दे रही है। साथ में देसी घी जो हमने डाला था सेपरेट होना चालू हो गया। इस समय इसके अंदर रॉ बनाना, तो यहाँ पर करीब मैंने 2 केले जो है उनका इस्तेमाल किया है, उनकी छाल और केला। अभी सॉफ्ट है, इसके साथ मिलाते रहिए, बड़ी प्यारी सी महक जो है आपको आना चालू हो जाएगी। इसमें मिलाते मिलाते इसे मैश भी करते जाइए, लेकिन प्लीज़ इसमें पानी मत डालिएगा। पानी डालेंगे तो ये जो मिश्रण है ये अपनी प्रॉपर्टीज तो लूज़ करेगा, अपनी टेक्सचर को भी लूज़ करेगा और जो अल्टीमेटली इससे हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाए। और जो नीचे लग रहा है उसे हटाते रहें, चलाते रहें, एकदम कम आंच पर अब इसे पकाएंगे हम। जो हमारा कच्चा केला है उसका जो बॉयल होने के बाद भी अपने अंदर एक थोड़ा स्टार्चीपन, थोड़ा एक कच्चापन रह जाता है, बस उसे दूर करना है हमको। ओके, अब ये करीब करीब तैयार है। इसके अंदर थोड़े से मसाले हम डालेंगे फाइनल टच देने के लिए, जिसमें हमारे पास है बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा ज़्यादा सा धनिया पाउडर। वाह क्या बात है। और इसके अंदर अब हल्का सा तेल, ये एक ट्रेड सीक्रेट है, तेल इसलिए डालना है क्योंकि बताऊँगा इसके साथ क्या करना है, बट पहले मिला लूँ इसको। देखिए अब इसको ठंडा करना होगा, ठंडा करके इसके साथ क्या होगा वो है खास बात। ओके, अब आपको बता दूं कि ये जो पूरा पक गया इसकी निशानी क्या है। अक्सर हम आटा गूंथते हैं या मैदा गूंथते हैं तो हम देखते हैं कि भाई गूंथते गूंथते वो बोल जो है पूरा क्लीन हो जाता है और वो एक अच्छा प्यारा सा एक डो का बॉल बन जाती है, गेंद बन जाती है। ठीक उसी तरह ये मिश्रण जो है आप देखेंगे सब कुछ पैन छोड़ चुका है, पैन एकदम साफ है और देखिए आप बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं इसके अंदर, विच मीन्स सब कुछ पक चुका है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और अपनी रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कड़ी की तैयारी, बेसिक कड़ी है जिसमें हम बेसन लेंगे, बेसन के साथ दही, हल्का सा खट्टा होगा दही तो नथिंग लाइक इट, लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। दही थोड़ा सा गाढ़ा था, चाहे तो यहाँ पर इसमें पानी हम ऐड करेंगे, लेकिन पानी ऐड करने से पहले इसका टेक्स्चर और इसको जो है इसकी ग्रेनिंग देख लेंगे हम। हल्का सा आपको ब्रेड क्रम जैसा इसमें टेक्स्चर मिल जाएगा।
एक स्मूथ जो है टेक्सचर आने के बाद, चाहे ब्रेड क्रम हो या चाहे वो एक केक बैटर जैसा हो, क्या ऐड करेंगे इसमें? पानी या मोर मॉइस्चर, जस्ट टू मेक इट थिनर, यानी कि पतला बनाने के लिए, बस धीरे धीरे ताकि छींटे ना उड़े इसके। मिलाते मिलाते इसके अंदर थोड़े से मसाले, तो सबसे पहले इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी और उतनी ही मात्रा में लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर कश्मीरी चिली या वैसी चिली का इस्तेमाल करें जिसमें कलर ज़्यादा है और स्पाइस कम है, तो मच बेटर। बहुत थोड़ी सी हींग चुटकी भर, अनयूजुअल चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी है, वो है भुने हुए जीरे का पाउडर। यहाँ पर मैं डालूंगा करीब 2 चम्मच, साथ में ही मैं डालूंगा 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, एक और अनयूजुअल चीज़ है वो है सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। अक्सर आपने देखा होगा रेसिपीज़ में, खाया होगा कि जो केला है, जो बनाना है, उसके साथ खासकर वेस्टर्न रेसिपीज़ में क्या इस्तेमाल होता है, सिनेमन पाउडर ज़रूर इस्तेमाल होता है। चाहे बनाना केक हो, चाहे बनाना लोफ हो, चाहे बनाना मफिन हो, इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं तो दालचीनी का पाउडर एक अपनी अहम जगह रखता है। मिक्स करते हैं, एकदम पतला होना चाहिए, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा गाढ़ा है तो इसे पानी डाल के आप और पतला कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। देखिए, आराम से बहना चाहिए, ऊपर से जो चम्मच का पीछा हिस्सा है, यानी कि पिछले वाला हिस्सा है, देखिए उसे बस कोट करना चाहिए। अगर ये कोट कर रहा है, परफेक्ट। एक डीप पैन, मध्यम आंच, थोड़ा सा तेल, तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि मैंने जीरा गरम तेल में नहीं डाला है, ठंडे में डाला है, ताकि घुल जाए और अपने जो एसेंशियल ऑयल्स हैं बहुत धीरे धीरे रिलीज़ करें। हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो कड़ी का मिश्रण है, जो बैटर है, उसका बेसन जल जाए। रिमेंबर दैट। ओके, काली मिर्च के दाने 3 से 4, लौंग 3 से 4 दाने, थोड़ा सा धनिया 8 से 10 दाने। अब इनको मिला लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा फ्लेवर लाना है इनका, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा पाउडर मसालों का ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल हो चुका है, तो खड़े मसाले सिर्फ एक फील के लिए, एक स्पेशल अरोमा के लिए। ओके, जैसे ये तैयार हो जाएगा, इसको करेंगे हम हल्का सा स्लो, यानी कि फ्लेम जो है थोड़ी सी डाउन करेंगे। मध्यम आंच पर जो है इसको कढ़ाई में डालने के बाद, पैन में डालने के बाद बस हिलाइए। आप शुरुआत में देखेंगे कि अगर आपने घी इस्तेमाल किया है, तेल इस्तेमाल किया है, तो उसकी एक सतह ऊपर फ्लोट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेसन जो है नीचे जा रहा है और हीट को एक्सपोज हो रहा है और पकना शुरू हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हीट को बहुत ज़्यादा ना रखा जाए। पकते पकते हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। देखिए क्या बढ़िया खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। जब तक ये पक रही है, इसके पकते पकते आपको एक कच्चे बेसन की खुशबू जो है वो शुरुआत में आएगी, धीरे धीरे मध्यम या धीमी आंच के ऊपर वो जो खुशबू है बेसन की, अपनी सौंधापन है, जो कच्चापन है, वो आपको जाता हुआ नज़र आएगा, विच मीन्स ये बेसन जो है पक रहा है, कड़ी कुक होना शुरू हो चुकी है। तब तक जो हमारा केले का मिश्रण था, क्या करेंगे उसको, हम इस तरह के बढ़िया से कोफ्तों की तरह तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह। अब इसकी बाइंडिंग के लिए क्या करना है, आइए वो देखते हैं। अब हमने जो थोड़ा सा बेसन बचाया है, नहीं बचाया तो ले लीजिए थोड़ा सा, उसमें डालिए ये कोफ्ते और इनको जो है हल्का सा कोट कर लीजिए। ये हो गया तैयार, आइए अब चेक करते हैं हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँची है। तो देखिए, निरंतर धीमी आँच, फिर थोड़ी सी तेज़ आँच, ऐसे करके बैलेंस करके, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करके बस हिलाते रहिए। ये देखिए कि जो कड़ी का मिश्रण है वो पैन में नीचे, खासकर सेंटर में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें लम्स आ जाते हैं। हमारी कड़ी एकदम तैयार है, स्मूथ है, इसे रखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। एक और पैन का इस्तेमाल, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, तेल हल्का सा गर्म करेंगे और उसके अंदर जो हमने यहाँ पर कच्चे केले की छाल और जो केला है कच्चा, जिनको उबाल के हमने एक मिश्रण बनाया था, आपको याद हो, कुछ मसालों के साथ, उसके बाद बेसन से उसको कोट करके छोटे छोटे कोफ्ते बनाए थे, इनको हम पकाएंगे, हल्का सा ऊपर से कलर देंगे, क्रस्ट देंगे। अब देखिए हल्का हल्का रंग, क्या बात है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू, जो एक कॉम्बिनेशन है बेसन और साथ में जो कच्चा केला है और जो उसकी छाल है उसका। तो बस ज़्यादा देर नहीं पकाना है, हल्की सी कोटिंग होगी, जो कुकिंग मीडियम का फैट का इस्तेमाल करेंगे उसमें हल्की सी झाग आएगी, विच टेल्स अस कि सब कुछ पक चुका है। स्वाद है विरासत,
कच्चे केले की छाल से लाइए, कड़ी बनाइए, आइए सजाते हैं। एक साइड में डालूंगा मैं ये, क्योंकि गाढ़ी सॉस है। अब ये हमारे कोफ्ते छोटे छोटे, क्या बात है। ओके, इसके बाद ये जो इसका बटर था, ऑयल था, घी था, जिसमें भी आपने सेका हो, मैंने तो तेल में सेका है, ये इसके ऊपर हल्का सा, कुछ दाने यहाँ पर, थोड़ी सी कसूरी मेथी लें, ये छिड़की यहाँ पर, भुनी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, हल्का सा रेड चिली का पाउडर, पैप्रिका पाउडर का भी इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, वो भी इस्तेमाल करें, बस हल्का सा ऐसे स्प्रिंकल कीजिए। किसी के भी सामने आप इसे पेश करेंगे, उतनी सॉस है, उतने ही कोफ्ते हैं, प्रेजेंटेशन जो इसकी सजावट है एकदम इंटरनेशनल, खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी बहुत ही बड़े 5 सितारा होटल के, किसी बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में आप बैठ करके बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही अलग से डिश खा रहे हैं। लेकिन इन सबको बनाने में, अलग बनाने में, खास बनाने में क्या काम आया? सिर्फ विरासत काम आई, और विरासत से आया स्वाद, दैट्स व्हाई स्वाद ए विरासत। Sizzling.